नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ उषा जी हैं जो एक टीचर हैं, इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। इनका क्या कहना है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा का समाज के लिए क्या योगदान है, क्या उन्होंने समाज के लिए किया है। उषा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, आप सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा को कितने समय से जानते हो? मैं बचपन से ही यहाँ आ रही हूँ, बहुत छोटी सी थी मैं, 6-7 साल की थी तभी मैं यहाँ आने लगी हूँ। आज मैं 36 ईयर की हूँ, तो मैं 30 ईयर से जुड़ी हुई हूँ यहाँ। मैम, इतने लॉन्ग पीरियड में आपको कैसा इन्वायरमेंट लगता है डेरा सच्चा सुधाश्रम? एन्वायरमेंट बहुत पीसफुली और सेफ एन्वायरमेंट लगता है। इससे बेटर और मतलब कि कहीं भी नहीं लगता, जितना मतलब कि शांति यहाँ आके मिलती इतना कहीं नहीं मिलती। बीइंग गर्ल, आप अपने आप को सेफ महसूस करते हो, सुरक्षित महसूस करते हो? बिल्कुल, सबसे सिक्योर यहाँ पे फील होता है यहाँ आकर। जब भी मतलब कि कुछ इस तरह से कोई बात होती है तो सबसे बेस्ट जो होता है शांति जो जहाँ मिलती है, और एक लड़की की सेफ्टी का सवाल है तो यहाँ इससे ज़्यादा सेफ जगह कोई और मैं नहीं समझती कि कोई हो सकती है। मैम, जो भी इतना कुछ मीडिया में दिखाया गया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप समाज में? मीडिया में जो दिखाया गया है बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ पिछले 30 सालों से मैं यहाँ आ रही हूँ, तो यहीं की ही स्टडी है, यहीं पे ही रहना हुआ है, और इवन हमारी फैमिली की सारी गर्ल्स ही यहाँ पे ही स्टडी करके गई हैं, तो सभी अच्छे अच्छे इस अहदों पे हैं, तो सभी मतलब कि बिल्कुल बेस्ट और सेफ यही है। मैम, एक्चुअली मैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा का सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा? सोसाइटी के लिए उन्होंने ऐसा कोई भी अच्छा काम नहीं है जो गुरुजी ने हमारे लिए नहीं किया है। सबसे पहला नशा छुड़वाना। नशा ऐसी चीज़ है जो घुन की तरह पूरे समाज को खा सकता है, जबकि 6 करोड़ जो डेरा फॉलोअर्स हैं उनके साथ जुड़कर नशा छोड़ चुके हैं, जो कि सबसे बड़ी और अहम चीज़ है कि पूरे समाज को 6 करोड़ आगे भी पता नहीं कितने लोगों को जोड़ते हैं कि नहीं, नशा नहीं करना, तो ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद वैश्यावृत्ति, आपको पता है कि जो वैश्याएँ होती हैं उनको कोई देखना, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उन वैश्याओं को बेटी बनाया जाता है, बेटी बनाकर उनकी शादी करवाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे मानवता भलाई के काम किए जाते हैं, जैसे बिल्कुल ही गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनको घर बनवा के दिया जाता है। हर महीने लोग मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, हर हफ्ते फास्ट रख के, और उस कंट्रीब्यूशन में जितना भी उनको कलेक्शन होती है तो वो हर महीने राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बच्चों की स्टडी के लिए, जहाँ पे बहुत ही गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को स्टडी नहीं करवा सकते, उन बच्चों को स्टडी करवाई जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे जो मानवता भलाई के काम हैं वो डेरा सच्चा सौदा कर रहा है, और आगे भी करता ही रहेगा, हम भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैम, 4 साल हो गए आप सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा समाज में नहीं है, आपको क्या लगता है, आप क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? नशे बढ़ रहे हैं बहुत ज़ोरों पे हैं, जो यंग जनरेशन है जो कि नशे छोड़कर अच्छे कामों की तरफ जा रही थी, अभी वही यंग जनरेशन जो है बिल्कुल ही नशे में लिप्त हो चुकी है। इसलिए गुरुजी को बिल्कुल वापस आना तो बनता ही है, कि एक जो घुन है जिससे बचाए हुए थे गुरुजी, और वही घुन दोबारा हमारे यंग जनरेशन को खा रहा है, जो कि हमारा नेशन है, फ्यूचर नेशन है। क्या आपको लगता है आज जैसे संत की समाज को ज़रूरत है? बिल्कुल, ऐसे संत की समाज को ज़रूरत थी, है और रहेगी, क्योंकि बिना संतों के तो समाज चल ही नहीं सकता। क्या अपील करना चाहोगे, क्या मांग करोगे आप सरकार से? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि पहले ये भी इन्वेस्टिगेट करें कि जहाँ 135 जो मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं उसको कितने बेनिफिट हो रहे हैं, जो कि गुरुजी के द्वारा चलाए गए थे, और जब से उन्होंने गुरुजी को 4 साल से झूठे आरोप में अंदर किया है, और उसके बाद आप देखो कि कितना बढ़ोतरी हुई है इन बुरे कामों में।
तो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी को जल्दी से जल्दी बायजत बरी किया जाए और समाज को बुराइयों से ताकि हम बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब की मांग की जा रही है, लगातार पब्लिक सामने आ रही है, आपकी क्या राय है आप भी जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।